ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे राधे। दर्शकों आपका हमारे न्यूज चैनल जनप्रभात में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों इस नव वर्ष 2022 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों मैं पंडित कृष्ण बलराम शास्त्री आज आपको बताऊंगा कि इस साल किन विशेष राशि वालों को फायदा होगा और किन राशि वालों को हानि होगी, ग्रहों का इन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इन सभी बातों को आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दर्शकों नव वर्ष 2022 को लेकर हर किसी के मन में यह सवाल है कि यह साल उसके लिए कैसा रहने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, साथ ही जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसका असर भी सभी 12 राशियों के जातकों पर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल 2022 में त्रिग्रह योग का निर्माण होने जा रहा है, जिसका सीधा प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। साल 2022 में शनि की राशि मकर में त्रिग्रह योग बनने जा रहा है। शनि ग्रह पहले से मकर राशि में स्थित है और 5 जनवरी को बुध भी इस राशि में पहुंच जाएंगे और इसके बाद 14 जनवरी को यानी कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य भी मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। मकर राशि में शनि सूर्य और बुध की युति से त्रिग्रह योग बनेगा, जो कुछ राशियों के लिए अशुभ माना जा रहा है तो कुछ राशियों के लिए शुभ भी रहने वाला है। आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में जिनके धन लाभ के योग बन रहे हैं। इन राशियों में विशेष 4 राशि हैं। बंधुओं त्रिग्रह योग बनने के कन्या राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा। यह लोग जिस काम में हाथ डालेंगे इन्हें जरूर फायदा होगा। कन्या राशि सूर्य के मित्र बुध ग्रह की राशि है, इसलिए इनके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। इन लोगों को जॉब में प्रमोशन हो सकता है, साथ ही सैलरी बढ़ने के योग भी दिख रहे हैं। करियर में अच्छी ग्रोथ होने की संभावना है और कार्य क्षेत्र में धन लाभ के भी अच्छे संकेत दिखाई देते हैं। बंधु अब दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए त्रिग्रह योग का निर्माण आर्थिक रूप से सकारात्मक रहने वाला है। आपको अचानक से धन लाभ की प्राप्ति होने की संभावना भी है। वृषभ राशि पर शुक्रदेव का आधिपत्य है और ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह और शनि ग्रह में मित्रता का भाव होता है, इसीलिए इस राशि के जातकों पर शनि देव की विशेष कृपा रहने वाली है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। अगर आपका कई महीने से इंक्रीमेंट रुका हुआ है तो वह इस समय पूरा हो सकता है। इस साल मार्च के बाद आपके विभाग के योग भी बन सकते हैं और आपको कार्य क्षेत्र में व्यापार में मनचाहा लाभ प्राप्त हो सकता है। बंधुओं अब जानते हैं तीसरी राशि के बारे में। ज्योतिष के अनुसार तुला राशि वालों के लिए यह त्रिग्रह योग का निर्माण फलदायी साबित होने वाला है। तुला राशि पर शुक्रदेव का आधिपत्य है और शुक्र ग्रह और शनि देव में मित्रता है, इसीलिए इन राशि के लोगों को कार्य क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे। जब भी कोई ग्रह कुंडली के 5वें 10वें और 11वें भाव में गोचर करता है तो करियर में बदलाव और नई नौकरी लगती है और पदोन्नति होती है। नौकरी में बदलाव से सैलरी में अच्छी ग्रोथ होने की उम्मीद भी आप कर सकते हैं। व्यापार में भी धन लाभ आपको होने वाला है। आइए बंधुओं अब जानते हैं चौथी राशि के बारे में, जो इस साल आपको लाभ देने वाली है। वह राशि है धनु। धनु राशि वाले इस नए साल में अच्छा धन कमाने में सफल रहेंगे। त्रिग्रह योग का निर्माण आपके लिए शुभ रहेगा। ऑफिस में बॉस आपके काम की प्रशंसा करेंगे, साथ ही आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों के लिए यह साल अच्छा बीतने वाला है। धन का आगमन अनेकों माध्यमों से होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। इस साल आप एक से अधिक माध्यमों से
धन अर्जित करने में सफल हो सकते हैं। बंधुओं, देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार, जय श्री राधे।